काम करो, रहने दो, मैं नहीं आ रही। अरे यार ये क्या बात होती है, मैं नहीं आ रही। नहीं नहीं मत आना, कोई नहीं, चलो ठीक है, बाय। नहीं, सुनो ना, आ रहा हूँ 5 मिनट में निकल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए जो सरप्राइज प्लान करा है बहुत ज्यादा प्यार से करा है यार, देखते हैं रिया मानती है नहीं। इतने प्यारे फ्लावर, लेकिन इससे प्यारी भी भाई वो खड़ी है मेरे लिए, तो भी देखते हैं यार क्या देखते। क्या ही होगा आज देखते हैं। और भाई मैंने जो गेमिंग चैनल बनाया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी आकर 10K सब्सक्राइबर करवाओ, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और भाई अगर रिया मेरे से मान गई तो रिया के साथ बैठ के करे करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग। सो है गाइस वेलकम टू ब्लॉग चैनल, जिसमें शौक है आज के लोगों वाला बहुत ज्यादा क्लियर। आप चैनल पर नए हो तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। तो आज का ब्लॉग तो वैसे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यार रिया से मैंने अप्रोच करा था थोड़ा मिलने के लिए, तो वो मिलने आ रही है। तो मेरे को नहीं पता वो लड़की मिलने आती है फिर मानती नहीं है, मिलने के लिए तो मान जाती है, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो आप कमेंट कर रहे हो ना कि भाई जब लड़की को सब खत्म ही करना तो बार बार मिलने क्यों आ रही है, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई वो बार बार मिलने क्यों आ रही है। वो तो भाई उसके मन में ही होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार वैलेंटाइन डे वगैरह रहा, वैलेंटाइन वीक हम साथ में मनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 3 साल से रेगुलर हमारी हर डे पे वीडियो आती है, चॉकलेट डे हो गया। तो बाकी तो देखते हैं यार क्या सीन रहता है, अगर वो मान गए तो सारे डे इस बार भी साथ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि एक 1 मंथ भी यार ये खत्म ही होने वाला है, जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी में सारे डे स्टार्ट हो जाएंगे तो साथ में मनाएंगे। तो मैंने आज यार एक चीज सोची, मैं बुके लेके जाता हूँ और भाई से प्रपोज करने की ट्राई करता हूँ, नीचे बैठ के देखते हैं भाई उसका रिएक्शन क्या आता है, क्या पता मान जाए यार प्रपोज से मेरे। लेकिन अगर भाई नहीं मानी तो फिर तो भाई क्या ही करूँ यार, मैं नहीं मनाऊंगा, मनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया यार, 2 महीने हो गए हमारी ये चीजें चलते चलते, मैं किसी से बात भी नहीं करता, मैं अपनी चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दे रहा, और भाई मैंने YouTube पे भी ध्यान देना बंद कर दिया, बस ओनली क्या बचा है लाइफ में पबजी। मैं Instagram पे भी ध्यान नहीं दे रहा, जैसे कि आप देखते हो मैं स्टोरी वगैरह भी पुट नहीं करता, 1 वीक 2 वीक हो जाते हैं, और पोस्ट तो भाई डालता ही नहीं ना, रील्स डालता मैं। तो बाकी Instagram पे जाके फॉलो कर लेना, आप मेरे से बात कर सकते हो, shafiz.for यूजर नेम है। और भाई मैंने जो गेमिंग चैनल बनाया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी आके 10K सब्सक्राइबर करवाओ, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और भाई अगर रिया मेरे से मान गई तो रिया के साथ बैठ के करे करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, बाकी तो देखते हैं मानती है या नहीं। अभी शानू को मैंने कॉल कर दी थी, मैंने कहा था यार रिया से मिलने का डन हो गया, चलना है यार, उसने जल्दी से ये किया आ जाओ, आना हो तो, यही कहती है हर बार यार, मतलब यही सीन दे रहा है उसका, आना हो तो आ जाओ अदरवाइज मत आओ। तो अभी मैं सो को उठा था, अभी मैं बात बात लेकर आता हूँ, देन उसके बाद रेडी वगैरह होते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं तो बुके दूंगा उसे, प्रपोज करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी, जब भी मैंने प्रपोज करा था वैलेंटाइन डे पे, और वैलेंटाइन डे करीब आ रहा तो इस बार वो साथ नहीं होगी, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा यार मेरे को। तो कोई नहीं, सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए आज अपनी मतलब चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो यार, इतने जल्दी से छानू करने पर मिलता हूँ आपसे। तो पहले तो यार रिया को कॉल करके पूछते हैं, मतलब रेडी वगैरह हुई तो निकलते हैं, फिर तुम्हारे सामने बात करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ हुए रेडी? मैं तो रेडी हूँ, तुम हो गए? हाँ मैं भी हो गया, कब निकलना है? निकल जाऊँ? निकल जाओ, कब निकलोगे? निकल रहा हूँ ना, बस 10 मिनट दो। लेट पे लेट करोगे फिर लेट आओगे, दस दिमाग खराब करोगे। दिमाग खराब क्या यार, जब तुम मान ही नहीं रहे तो क्या करूँ, तुम्हें मनाने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है। इन सब बातों का टाइम नहीं है, जल्दी आ जाओ, मेरे को और भी काम है। 10 मिनट हो गया, बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ मैं। 10 मिनट किस बात के? अरे बस वो हुडी वगैरह, हर बार के यही। अरे यार नहाने जाना है अभी। नहाने? एक काम करो, रहने दो, मैं नहीं आ रही। अरे यार ये क्या बात होती है, मैं नहीं आ रही। नहीं नहीं मत आना, कोई नहीं, चलो ठीक है, बाय। नहीं 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 सुनो ना, आ रहा हूँ, 5 मिनट में निकल रहा हूँ, ठीक है? जल्दी कॉल करो। ओके मैं बस रेडी होकर कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जल्दी। ठीक। तो देखा यार, मतलब कि ऐसे बोल रही है, कोई नहीं यार, अभी जल्दी से नहा कर आते हैं, और शानू भी आने वाला है मेरे घर के नीचे, फिर निकलते हैं जल्दी से, कभी कैंसिल ही करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है GuruTrade7। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स भरोसा करते हैं। तो गाइस अगर आप एक ट्रेडिंग में बिगिनर हो तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डेमो अकाउंट में 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर जब आप प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाओ फिर आप रियल मनी अपनी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉपुलर एसेट्स देखने को मिल जाते हैं, जिस पर आप ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। तो अभी गाइस मैं 50 रुपीज से ट्रेड करके दिखाता हूँ आपको। तो 50 रुपीज में कॉल पे लगा देता हूँ, कॉल का मतलब ऊपर जाएगा ग्राफ, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है, अगर पुट पे गया भाई नीचे गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, अगर कॉल पे गया भाई तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 50 रुपए मैंने कर दिए हैं, तो अभी ग्राफ चल रहा है, देखते हैं भाई क्या होता है। तो चलने देते हैं इसे, चल रहा है भाई। यस गाइस देख सकते हो ऊपर चला गया ग्राफ और हमें 35 रुपीज का प्रॉफिट हुआ।
तो इतनी सी देर में भाई मैंने 35 रुपीज कमा लिया 50 रुपए से, तो मेरे टोटल होगा 85 रुपीज। सो गाइज मैं आपको बता दूं इसमें डिपॉजिट कैसे करना है। इसमें डिपॉजिट करना बहुत ज्यादा इजी है। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 100 रुपए है। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो यूपीआई पेटीएम बैंक अकाउंट इजीली आप किसी से भी डिपॉजिट कर सकते हो। सो गाइज आपको अपना कमाया हुआ पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इजीली आपको विड्रॉल में जाना है, देन आप अपनी बैंक डिटेल फिल कर दो तो आपके अकाउंट में इजीली मनी आ जाएगी। मिनिमम विड्रॉल यार 300 रुपए, ये बात याद रखना गाइज। और गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पर आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिल जाएगा 24/7। तो गाइज आप इस पे चैटिंग के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। सो गाइज बहुत ज्यादा इजी है ट्रेडिंग करना, आपने जैसे कि इस पे देख लिया, तो जल्दी जाकर डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से डाउनलोड करो और बहुत ज्यादा पैसे कमाओ। तो यार सीन होने तो आम बात रह गई हमारे साथ, मतलब कि नाना के रूम में मेरी चाबी थी और नाना मेरे घर पे गए हुए। मैं नाना के घर पे था, बाइक मैंने भारी खड़ी कर दी थी और नाना के रूम में चाबी रख दी थी बाइक की, और भाई नाना मेरे घर पे पहुंच गए। अभी मेरे को पहले पैदल जाना पड़ रहा है यार घर से चाबी लेने, फिर उसके बाद बाइक स्टार्ट होगी फिर जाएंगे यार। और वैसे ही रिया नाराज है मेरे से, उससे मैंने कॉल करके तो कह दिया निकल जाओ, अगर मैं लेट हो गया ना तो ये लड़की मेरे पे फिर गुस्सा करेगी। तो फाइनली गाइस बाइक की ले आए हैं, तो पहले इसे दे देते हैं कोल्ड स्टार्ट। और भाई फ्यूल भी नहीं है यार, आज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो आज यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है मेरे को यार, बस रिया नाराज ना हो जाए उसका ही दिक्कत है। अभी तो मेरे को बुके भी लेना है, क्योंकि बुके के बिना यार प्रपोज करने में मेरे को मज़ा नहीं आता, कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए अपने पास, या तो डायमंड रिंग, एक टाइम पर डायमंड रिंग भी देंगे अगर वो मान गई, लेकिन अभी तो भाई क्या ही कर सकते हैं, बुके देके मनाने की कोशिश करेंगे उसे, होपफुली मान जाए वो। फाइनली गाइस हमें बुके मिल गया, तो ये देख सकते हो, तो देखते हैं इससे रिया मानती है या नहीं। कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग कैसा रहा ये बता ना वहाँ पे, मस्त लग रहा है वो, इससे भी ज़्यादा मस्त है वो, इससे भी ज़्यादा प्यारी है यार। तो अभी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है, मानती है या नहीं मानती। तो भाई लेट सी, तो अभी चाचा की पेमेंट वगैरह कर देते हैं, तो चाचा से लेते हैं हर बार, हाय कर दो चाचा एक बार तो अभी पेमेंट वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं यार। बाकी 20 देखो तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो गाइस पहले बाइक में पेट्रोल फिल करवा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मैं लेट हो रहा हूँ यार। टाइम तुम चेक करो यार, 3:13 हो गए भाई, तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी आज, वो बस नाराज ना हो जाए मेरे से इस बात पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम नियर सिग्नेचर ब्रिज, कितना टाइम का बाद निकल रहा हूँ मैं सिग्नेचर ब्रिज के पास से। तो जैसे मैं उससे मिलने जाता था जब भी याद आ जाता ये, तो आज तो उसी से मिलने जा रहा हूँ, तो खुशी का वो है यार। बस वो यार मैडम मान जाए आज मेरे लिए, जो मैं इतना वो करता हूँ ना उसके लिए मान जाए बस, नहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट की तो मैंने लगा दी अपनी, तुम्हें तो पता ही है कोई नहीं यार मान जाएगी तो सारी सेल्फ रिस्पेक्ट यार वो मुझे पता है उसके दिल में होगी यार कुछ ना कुछ बात, जो मेरे से ऐसे कर रही है उससे वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं हर बार कि क्या बात है यार। ओ भाई निकलेगी, निकाल दूँ, चलो। ओ यार क्या वाइब आ रही है आज बाइक चलाते हुए, सीरियसली यार आज मज़ा आ रहा है मेरे को बाइक चलाते हुए। शानू पीछे बैठा हुआ यार, हेलमेट तो लगाता नहीं है और मोबाइल और चलाता है एयरफोन लगा के। मैं कहता हूँ भाई इससे अच्छा तू हेलमेट ही लगा ले, एयरफोन से अच्छा वो ठीक रहेगा, तेरी सेफ्टी तो करेगा। तुम्हें भी यही सजेशन दूंगा, जब भी बाइक राइड कर रहे हो यार, तो यार स्कूटी भी कर रहे हो तो हेलमेट ज़रूर वियर करे करो। ये क्या हुआ भाई यहाँ पर यार, लीन से तो ऐसी चीज़ याद आती है ना मुझे जब मैं समीर के साथ था यहाँ पर क्या ही बोलूँ, 90 दिन में बाइक आई थी मेरे पास। कभी कभी मैं सोचता हूँ जब मैं राइट में टर्न लेता हूँ तो इंडिकेटर दे दूँ यार, क्योंकि पीछे वाले को पता लग जाता है इंडिकेटर दे रखा है बाइक ने राइट में जाएगी है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार बाइक में तो इंडिकेटर ही नहीं है, मोए मोए हमारी बाइक के साथ भी मोए मोए हो गया। तो फाइनली गाइस ये खड़ी है रिया, तो मिलते हैं। हेलो, हर बार की तरह लेट, बोला था ना मैंने जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकला था यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इतने टाइम बाद मिले हो अब तो हक कर लो, नहीं करना, माफ़ी नहीं मांगूंगा आज तुम्हारे लिए, कुछ प्लान करा है, क्या है? आज माफ़ी मांगने नहीं आया तुम्हें, रोज़ रोज़ माफ़ियों से बोल नहीं करूँगा, खत्म करने आए हो क्या सब कितना खुश हो भाई फाइनली, सीरियसली खत्म करके खुश होगी भाई? देखो मैं तो अपनी तरफ से कर चुकी हूँ, तुम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हो, तो मैं तो बस उसी में लगी कि तुम कर दो ना, तो सच में बहुत खुश हो जाऊंगी मैं। ओ भाई फिर ये रोज रोज का हर हफ्ते हफ्ते में आना जाना मेरे बस की नहीं है सब। क्यों परेशान हो गए इतनी जल्दी? बहुत ज्यादा, सीरियसली कसम से। कुछ खाया? खा लिया यार, कैसे बदल गई तुम, पहले कुछ खा के भी नहीं आती थी, कहती थी मेरे साथ खाना है, अब ये है। ये बताओ तुम, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल भी है, सारी चीजें हैं, तुम मिलने भी आ रही हो मेरे से, फिर भी क्यों नहीं मान रही? मेरे YouTube पर भी वीडियो पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे रिया नहीं मान, नहीं बदल गई भाई छोड़ो इसे,
बताओ भाई, सब टाइम टाइम की बात होती है ना, तो मिलने चलो, मैं बदल गई, कल को तुम भी बदल जाओगे, मैं तो मेरे से मिलने आ रहे हो, कल को तुम मेरे को मुड़ के देखोगे भी नहीं। ओफो, और बोलो, मैं ऐसा नहीं हूँ, सब हो जाते हैं, तुम हो गए सब नहीं होते, हो जाते सब हो जाते, मैं भी हो गई ना तो तुम भी हो जाओगे, थोड़े दिनों बाद मेरे से परेशान होगे कि ठीक है। तो फिर क्या रीजन था, खाली बाइक तेज चलाने के ऊपर तुम ये चीजें कर लोगी? क्या ही बोलूं मैं, तो तुम बार बार मेरे से मिलने क्यों आ रही हो फिर? तो मैं चाहती हूं ना कि तुम भी अपनी तरफ से जल्दी खत्म कर दो। अच्छा, मेरा वेट कर रही हो तुम, इसलिए मिलने आ रही हो? मैं बार मिलने नहीं आ रही, मैं तुमसे यही एक बात कहती हूं कि खत्म कर दो, कोई फायदा नहीं है रोज रोज का मिलने का। अच्छा, तो मिलने भी तो आती हो ना तुम, कुछ तो दिल में फीलिंग होगी ना तुम्हारे फिर? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलने कैसे आ जाती हो, वो चीज का जवाब दे दो। फीलिंग होगी वो तुम्हारे लिए। हां, मेरे लिए तुम्हें लगता होगा ऐसा, तुम्हारी गलतफहमी है, पर ऐसा है कुछ है नहीं। तो फिर मिलने बार बार क्यों? क्या मतलब क्यों? समझाने आते हो कि कर दो खत्म कर दो, तुम्हें नहीं आता क्योंकि तुम पता है मैं तो कर, क्योंकि जिसे खत्म करने होती है मुझे पता है अभी कहीं ना कहीं पे तुम्हारे दिल में फीलिंग है, कुछ बात है, कुछ ऐसी चीज हो रही है तुम्हारे साथ या घर में किसी ने कुछ बोला, तो मेरे को क्लियरली बताओ ना। कुछ नहीं है सीरियसली, कुछ होगा भी तो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी। किसे बताओगी फिर? किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं बताना किसी को भी। यार ये कोई बात नहीं होती, सब यही बात होती है, बात क्या है, क्यों बुलाया वो बताओ मुझे। कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए? फिर कोई ड्रामा लेके आए होगे? ड्रामा मैंने कब कर दिया यार, माफी मांगना भी ड्रामा हो गया क्या आजकल? मेरे लिए तो कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा मनाने वाला? चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? सीरियसली? सच में? तो चलो आओ मॉल के अंदर, चलो चलते हैं फिर कुछ। तुम, मैं आ रही हूं। जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाइक पे नहीं चलोगे? बाइक पे चलो। ठीक है भाई, आओ चलो मॉल के अंदर चलते हैं, फिर कुछ बात करनी है। चलो गाइस चलते हैं यार, फिर देखते हैं क्या रहता है यार, अब भी ये सीन मतलब। सो फाइनली गाइस, ये देख सकते हो हम अंदर की साइड आ चुके हैं। तो कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? तो तुम्हारे लिए जो सरप्राइज प्लान करा है बहुत ज़्यादा प्यार से करा है यार। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे लिए, ताकि तुम मान जाओ, हम एक हो जाए दोबारा। तुम्हें पता है ना मैं मानूंगी ना तुम्हारी बातों में, आऊंगी ना दोबारा से रिलेशन में आऊंगी, तो फिर क्यों ये सब करना? रिलेशन कहाँ से आ जाता है बीच में यार, प्यार नहीं था क्या तुम्हें? पहले था, अब नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। खत्म हो जाता है क्या? तो ये सब करने से क्या फायदा हो जाएगा? क्या सब करने से? तो तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैंने तो कुछ करा ही नहीं। बार बार मिलने आ रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, माफिया मांग रहे हो, और तुम आज भी कुछ लेके आए हो मेरे लिए। क्या ले गया? मैंने कुछ कहा ऐसा? मैंने कहा सरप्राइज है, सरप्राइज है तो कुछ तो हो गई नहीं है कुछ। हाँ तो फिर ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। सॉरी बोलने आया था बस, तुम्हारे लिए लाऊंगा सरप्राइज। मेरे को चाहिए भी नहीं आपको सरप्राइज, मैं दे भी नहीं रहा आपको। हाँ तो ठीक है। सॉरी ना, चलो एक काम करो ना, वैलेंटाइन वीक आ रहा है तुम्हें पता है, 3 साल से हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं हर डे, तो इस बार भी मैं चाहता हूँ यार वैलेंटाइन वीक को हम दोनों साथ रहे। कर लेंगे आया नहीं, कर लेंगे नहीं करना, अरे कोई बात कोई होती है यार, चलो सरप्राइज जो है क्यों करना है, कोई और देख लो ना, मेरे से अच्छी मिल जाएगी, मेरे पीछे क्यों इतना वो चाहिए? नहीं ना, दिल अच्छा चाहिए ना, दिल तुम्हारा अच्छा है ना? अच्छा हाँ, कहाँ से इतना सब कर रही हूँ, ऊपर से मैं ही बुरी बन रही हूँ, लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे लिए, मैं तो इतना पढ़ के खुश हो रही हूँ ना। तो मैं तो मना कर रहा हूँ ना, ना करो, मैं दिखाना चाह रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ तुम्हारा रीजन है जो तुम रीजन मुझे नहीं बता रही। मैं तुम्हें रीजन बता चुकी हूँ मैं क्यों छोड़ के गई, किस बात पे गई, क्यों लड़ रही हूँ मैं, तुम्हें सब पता है अच्छे से, पागल तो हूँ नहीं मैं जो मेरा फालतू के लड़ूंगी तुमसे। तो रीज़न तो बताओ यार, ये कोई बात नहीं होती तेज चलाने के ऊपर रेस ब्रेकअप हो जाए। क्यों नहीं होती, बहुत बहुत सारी बातें हैं। चलो तो सरप्राइज जो है अब आइस तो क्लोज कर लो। नहीं चाहिए मुझे, एक बार आइस क्लोज कर लो, एक बार मेरे लिए आइस क्लोज कर लो, करना मेरे को जो भी है ना, बस लास्ट टाइम मेरी कसम है। चलो बोलते रहो, मैं मान ली भाई, मैं मर जाऊंगा यार, ये तो कसम भी नहीं मानना। ओ हाथ में दर्द हो गया, बताओ ना। नहीं, एक बार लास्ट टाइम आइस क्लोज कर लो बस, लास्ट मत बांध लो, तुम अच्छा लगेगा। नहीं करना, क्यों कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए, क्यों मेरे लिए, कोई फायदा है करने का ये बताओ मुझे, क्या फायदा? तुम मान जाओगे फिर हम अच्छे से रहेंगे। मैं नहीं मानूंगी, तुम मेरे लिए कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानूंगी, जब तुम मेरे एक बार कह दिया कि मेरे को नहीं रहना, खत्म करना है सब। यार मान जाओ ना, अब आइस तो क्लोज कर लो, कर लो यार आइस क्लोज, प्लीज प्लीज यार प्लीज। ठीक है करो,
कुछ कैसा फालतू है ना फिर देख तुम लेना। नहीं फालतू नहीं है, तुम लास्ट तक करे ना, पहले इधर आ जाओ यार। क्या हुआ उस दिन की तरह मेरा पागल तो नहीं बना दोगे ना? क्या बात, मैंने आज तक पागल बनाया तुम्हें? जब वहाँ पे खड़ा किया था मुझे तुमने, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी था पागलों की तरह, जो कि मुझे वापस मिल गया, जो कि मुझे वापस मिल गया। वो इतने प्यार से लाया था, वो टेडी बियर छोटा सा, इतना क्यूट सा, उसके साथ चॉकलेट। फेंका नहीं तुमने? क्यों फेंकूं मैं? मेरे को लगा फेंक दिया होगा। नहीं, जब तुम मान जाओगी तो मैं वापस मिल जाएंगे गिफ्ट्स। फालतू की चीज है, रख के कोई फायदा नहीं, फेंक देना। चलो ना आइस क्लोज करो। ठीक है करो। सो गाइस मैंने आइस तो क्लोज करवा दिए, देखते हैं रिया मानती है या नहीं। इतने प्यारे फ्लावर, लेकिन इससे प्यारी भी भाई वो खड़ी है मेरे लिए, तो भी देखते हैं आज क्या देता है। क्या ही होगा आज देखते हैं। पता नहीं भाई मुझे तो क्या था, हमने तो मुझे तो कुछ भी नहीं लगा था। भाई कहाँ से कहाँ तक क्या हो गया देख रहा हूँ भाई, क्या सीन करा है। मतलब
हद है यार इस लड़की से। कोई नहीं यार, मिलता हूँ आगे जाके। सो गाइस, तुम्हारी इतनी कमेंट आने के बाद ही मैं रिया से मिलने गया था। तो रिया मिलने के लिए तो मान गई थी, मुझे लगा था सारी बातें सॉल्व हो जाएंगी। किसी ने भाई मेरे को आइडिया दिया था कमेंट में कि भाई शाफिज भाई प्रपोज करो उसे, फिर उसका रिएक्शन देखो वो मानती है या नहीं मानती। तो तुम्हारे सामने मैंने प्रपोज भी कर दिया। और जिसको अभी तक ये स्क्रिप्टेड लग रहा है ना, तो भाई लगवाते रहो भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने उसे देख सकते हो आप, जाने दिया, मैंने कुछ नहीं करा यार। मतलब कि मैं इतने प्यार से लेके गया था उसे बुके, और उसने भाई ये सीन कर दिया। तो मैं उसके मतलब कुछ बोल नहीं सकता यार उस लड़की को, क्योंकि मेरा प्यार था भाई 3 साल का। तो होती हैं यार चीज़ें लाइफ में, हो जाती हैं। कोई नहीं यार, इग्नोर करते हुए इसे अपने व्लॉग्स वगैरह पे ध्यान देंगे, चीज़ों पे ध्यान देंगे। बाकी आप चैनल पे नए हो तो भाई कर लेना भाई, फॉलो कर लेना, ठीक है? फॉलो किया, सब्सक्राइब कर लेना। अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और भाई गेमिंग चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो भी चल रही हैं चीज़ें, मुझे थोड़ा खुशी मिलती है बन के सब्सक्राइबर होता है। थैंक यू सो मच ऑल यार। तो अभी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थोड़ा बोला नहीं जा रहा यार, मेरे से हेल्थ ऐसी, अभी मैं सोने जाऊँगा यार, नींद आ रही है मेरे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। भाई गेमिंग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है?